मुंबई में बुधवार दिनांक 4 नवंबर को रिपब्लिक इंडिया टीवी चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी को उनके निवास स्थान से महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किसी एक पुराने प्रकरण में बिना पूर्व सूचना के बर्बरतापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण पुराना होकर पुलिस रिकॉर्ड में बंद हो चुका है, बावजूद इसके कानून के दायरे में सभी भारतीय नागरिक आते हैं। अर्नब गोस्वामी भी उससे अलग नहीं है, किंतु नियम अनुसार उन्हें उक्त प्रकरण के संबंध में अपना पक्ष रखने, पूर्व सूचना दिए जाने जैसे नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा एक संचार प्रतिनिधि के साथ की गई कार्यवाही कानून की जद में कम आतंकी ज्यादा नजर आती है। ऐसी स्थिति में जबकि अर्नब गोस्वामी द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के विरुद्ध कुछ सप्रमाण जानकारी के समाचार प्रसारित किए गए, ऐसे में पुलिस कार्रवाई किसी बदले की कार्रवाई नजर आ रही है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जंप जो पत्रकारों के हितों और सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश में काम करती है, जिसकी राष्ट्रीय इकाई दिल्ली में भी NUJ के नाम पर संचालित है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, प्रदेश महासचिव अजय सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश जोशी आदि के मार्गदर्शन में भोपाल राजधानी में भी इस तरह के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जंप की खाचरोध इकाई अपने हस्तक्षेप की मांग करते हुए महाराष्ट्र पुलिस को अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध की गई अमानवीय कार्यवाही पर विराम लगाने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही जो प्रकरण अर्नब गोस्वामी पर प्रचलन में है, उसकी निष्पक्ष जांच होने तक उन्हें किसी भी हिरासत में न रखते हुए निगरानी में रखा जाए और मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास कोई भी एजेंसी और सरकार न करे। इसके निर्देश महाराष्ट्र शासन को प्रदान करने का कष्ट करें। ज्ञापन दिया गया क्या विशेष? आज जंप द्वारा यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो हमारे अर्नब जी गोस्वामी जो टीवी चैनल के जो जो एडिटर या फिर जो पत्रकार हैं उनके ऊपर अभद्रता से व्यवहार किया गया है, उसके जो पुलिस प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन द्वारा जो अभद्रता के साथ उन पर जो अत्याचार किए गए हैं उनके विरोध में आज यहाँ SDM साहब को ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। और हम चाहते हैं कि आए दिन ये जो पुलिस द्वारा जो अत्याचार पत्रकारों पर दुर्व्यवहार किए जाते हैं ये करना बंद करें, क्योंकि पत्रकार हमेशा उस आईने की तरह होता है जो हर किसी व्यक्ति को दिखाने की कोशिश करता है। पत्रकार हर दीवार के पीछे छिपे हुए उस शख्स को दिखाना चाहता है जो वास्तविक समाज के सामने हमें प्रदर्शित करना चाहिए। पत्रकार वह चीज़ है, अगर पत्रकार की आवाज़ को हम अगर हर व्यक्ति और हर समाज और हर विभाग दबाना चाहेगा तो वो गलत है। वो पत्रकार इसे चुप नहीं बैठेगा और पत्रकार हमेशा लड़ता रहेगा और हर बुराई हर खबर को ऐसे ही छापता रहेगा, निष्पक्ष निडरता के साथ हमेशा छापता रहेगा।